अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट वन बायोलॉजी के अंदर। हमने शुरू किया है चैप्टर 4, द सेल। और हमारा टॉपिक है आज का, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो ये जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो सेल वॉल का टॉपिक है हमारा, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन डील किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और आज हम बात करेंगे सेल वॉल की। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो हम जानते हैं, हमारे इल्म में पहले से ही बात है कि अगर हम प्लांट के सेल को देखें तो प्लांट के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल मिलती है। लेकिन अगर आप देखें एनिमल के सेल को, तो एनिमल के सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट के सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लांट के अंदर जो है वो सेल वॉल है। तो मैंने यहाँ लिखा है आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द प्लांट सेल इज द सेल वॉल। ये आपका पहला पॉइंट है। अगर हम दूसरा पॉइंट पे गौर करें तो आप जानते हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल है उसके अंदर हमें मिलता है सेलुलोज, लेकिन अगर हम जाएं बैक्टीरिया की, जिनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, तो वहां हमें मिलता है पेप्टिडोग्लाइकेन जो है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्लांट जो है वो यूकैरियोट है, और यूकैरियोट की सेल वॉल और प्रोकैरियोट की सेल वॉल में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। तो सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह। तो आपने याद रखना है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों की जो सेल वॉल है वो एक जैसी नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, और उसकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जाहिर है कि जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल लेयर है। तो जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो सेल वॉल है वो सेक्रीट कौन करेगा, वो कहाँ से आएगी, कौन प्रोड्यूस करेगा उसको। तो याद रखना है सेल वॉल इज सेक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। तो आप याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है इट इज सेक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर आने वाली हर चीज को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, या आसान वर्ड्स में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो ये इट इज सेक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। और आपने याद रखना है जिसकी मोटाई होती है, जो सेल वॉल की थिकनेस होती है, वो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट है, हर एक में सेम नहीं है। आपका लास्ट यहाँ पर इस पार्ट में हमारा लास्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन के अंदर, कि सेल वॉल के अंदर तीन लेयर्स हैं। तो मैंने आगे नाम लिखे हैं, मिडल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने इंट्रोडक्शन किया है सेल वॉल का, कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट के सेल में, प्रोकैरियोट की और जो यूकैरियोट की सेल वॉल है उसमें डिफरेंस है, इट इज सेक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो है वो तीन लेयर्स हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, अब हम तीनों जो आपके पास लेयर्स है उसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मिडल लैमेला की। तो अगर हम बात करें अबाउट मिडल लैमेला, तो याद रखिएगा तीनों लेयर्स में से, ये बड़ा अहम पॉइंट है, तीनों लेयर्स में से मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, तो तीनों लेयर्स में से जो सबसे पहले लेयर बनेगी वो मिडल लैमेला की होगी। तो मैंने यहाँ लिखा है मिडल लैमेला जो है इट इज फर्स्ट, ये पहली है टू बी फॉर्म्ड, जो बनेगी बिटवीन द नेबरिंग सेल। तो दो जो प्लांट के अंदर नेबरिंग सेल्स हैं, उन दो नेबरिंग सेल्स के बिल्कुल दरमियान जो है वो बनेगी मिडल लैमेला। तो ये याद रखना है आपने, तीनों में से जो सबसे ओल्ड लेयर है या जो सबसे पहली लेयर है उसे हम बोलते हैं मिडल लैमेला, ये है। और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। तो पहले हम हर एक लेयर में ऐसे करेंगे, पहले हम करेंगे उसका इंट्रो कि वो आपके पास जो है वो किधर होगी, कब बनेगी, और साथ ही हम बात करेंगे उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। जो सेकंड लेयर है, जो सबसे अहम है, वो हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। याद रखिएगा कि जो प्राइमरी सेल वॉल है इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग सेल। तो अब सुन ले इसका मतलब क्या है। तो जब प्लांट का एक सेल बनेगा तो वो साइज में छोटा होता है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल से वैक्यूल्स होंगे। अभी वो सेल नया बना है, उसके बाद क्या होगा, वो जो वैक्यूल है पानी को पकड़ेंगे, पानी को अपटेक करेंगे बार बार। तो पानी का जब अपटेक करेंगे उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब उनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो सेल जो है वो ग्रोइंग स्टेज में आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रोइंग सेल में होती है, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैच्योर हो जाएगी।
तो उस मेच्योर होने से पहले पहले जो है उस स्टेज को हम बोलेंगे ग्रोइंग ग्रोइंग फेज बोलेंगे, ग्रोइंग सेल बोलेंगे। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग सेल वॉल, ग्रोइंग सेल, और इट इज अ ट्रू सेल वॉल। याद रखिएगा मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में से अगर हम देखें कौन सी लेयर है जो ट्रू सेल वॉल है तो वो प्राइमरी सेल वॉल है। और अभी आपको मैंने बताया कि ये इलास्टिक है यानी कि ग्रोइंग सेल में होती है। तो मैंने कहा था अभी कि जो सेल होगा वो साइज में छोटा होगा, जब न्यू बनेगा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अपटेक करने की वजह से उसका साइज बढ़ेगा, क्योंकि ये लेयर इलास्टिक है इसीलिए जो है वो सेल का साइज बढ़ने में ये हेल्प करेगी, उसे हिंडेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास प्राइमरी जो है हमारे पास सेल वॉल है ये इलास्टिक है, क्योंकि ये इलास्टिक है तो जो ग्रोइंग सेल है उसका साइज बढ़ने में ये उसकी हेल्प करती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है इट इज इलास्टिक इन नेचर। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने हर लेयर का करना है इंट्रोडक्शन, और वो जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि ये हमारे पास किसकी किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो अब क्वेश्चन जेहन में आता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो उसमें आपको मिलता है सेलुलोज जो कि मेन बिल्डिंग मटेरियल है सेल वॉल ऑफ द प्लांट का, फिर आपको मिलता है हेमी सेलुलोज, और फिर आपको मिलता है पेक्टिन। तो ये आपने याद रखना है बड़े अच्छे तरीके से कि क्या कंपोजिशन है मिडल लैमेला की, क्या कंपोजिशन जो है हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल की, और क्या कंपोजिशन है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल की। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने सीखा अभी मिडल लैमेला जो है उसका इंट्रोडक्शन हमने किया, फिर हमने सीखा उसकी कंपोजिशन क्या है, फिर सीखा हमने प्राइमरी सेल वॉल जो है उसका इंट्रोडक्शन हमने किया कि ये प्रेजेंट है ग्रोइंग सेल में, ट्रू सेल वॉल है, इलास्टिक है, अगर इलास्टिक है तभी जो है ये अलाउ कर रही है मूवमेंट को, सेल के साइज बढ़ने को, और लास्ट हमने सीखा उसकी कंपोजिशन क्या है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है सेकेंडरी सेल वॉल। अगर आप सेकेंडरी सेल वॉल को देखें तो सबसे पहली बात आपने बड़ी ही अहम बात है ये वाली, ये हमने याद रखना है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कहाँ पर बनेगी। तो आपने याद रखना है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है, प्राइमरी सेल वॉल के इनर जो है वो बनती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो कि बड़ा अहम पॉइंट है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किधर बनेगी। तो हमें आइडिया है, पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने बात की कि जो सबसे पहली लेयर है वो मिडल लैमेला है, उसके बाद सेल ग्रोइंग सेल में है जब ग्रोइंग स्टेज में है, और जब सेल ग्रो करेगा तब क्या बनेगा, तब उसके अंदर जो प्राइमरी सेल वॉल होगी। प्राइमरी सेल वॉल के बाद हमने क्या बात की, फिर हमने बात की है सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बनेगी इट इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बनेगी इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, और याद रखिएगा बाकी दोनों लेयर्स के कंपैरेटिवली कंपैरिजन में ये थिक भी है, हार्ड भी है, रिजिड भी है। तो ये थिक है, ये रिजिड है, या ये हार्ड होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये बनेगी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, उसके इनर बनेगी। दूसरा मैंने कहा कि ये हार्ड है, ये होती है रिजिड। और आपने साथ याद रखना है कि ग्रोइंग सेल के अंदर जो है प्राइमरी सेल वॉल है, और जब एक सेल मैच्योर स्टेज में आ जाएगा तब उसके अंदर बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। तो याद रखिएगा जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एक सेल के मैच्योर होने के बाद बनेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि उसका इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल क्या है। तो अब क्वेश्चन इनमें आता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है सारा मटेरियल हार्डनिंग मटेरियल है, सिलिका है, इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, लिग्निन जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये हार्ड करता है, और वैक्सेस भी हैं और क्यूटिन भी है। तो ये आपको दिख रहा है कि एक मिक्सचर सा है, एक चीज़ें हेट्रोजनस चीज़ें जो हैं कॉम्बिनेशन के अंदर जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मिलके बना रही हैं सेकेंडरी सेल वॉल को। तो ये सबसे अहम हमने पार्ट डील कर लिया, जो हमारे पास सेल वॉल जो है उसके तीन हमारे पास लेयर्स हैं। तो आपने याद रखना है कि तीन लेयर्स हैं, उनके नाम हमें आते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आना है वो हमारे पास है कि अब क्वेश्चन मार्जिन में आना चाहिए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके अंदर क्या चीज है। तो आपने याद रखना है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके अंदर आपको मिलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन,
और ये जो पेप्टिडोग्लाइकिन है इसी को हम बोलते हैं कि ये जो है म्यूरिन है। तो आपने याद रखना है कि आप जो बैक्टीरिया हैं यानी कि जो प्रोकैरियोट हैं उनके अंदर उनकी सेल वॉल में जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकिन या उसको हम बोलते हैं म्यूरिन। और अगर हम उसके अलावा जाएं कि किसमें सेल वॉल है तो फुंजाई में सेल वॉल है, तो जो फुंजाई की सेल वॉल है उसके अंदर आपको मिलता है काइटन। तो अगर हम सारी बातों को मिलाएं तो हमें आइडिया हो जाता है कि पांचों किंगडम में से तीन किंगडम के पास सेल वॉल है। प्लांट के पास है जिसके अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल है वो सेलुलोज है, बैक्टीरिया के पास है जिसका बिल्डिंग मटेरियल जो है पेप्टिडोग्लाइकिन है या म्यूरिन है, फुंजाई के पास सेल वॉल है जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल जो है वो काइटन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस, ये हमारा लास्ट पॉइंट है टॉपिक का, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज इट इज इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। तो आपने याद रखना है जो सेल वॉल है प्लांट की या फुंजाई की या बैक्टीरिया की, तो ये क्या करती है, ये शेप को मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये शेप को मेंटेन करेगी, उसके बाद जो ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोटेक्ट करती है ऑस्मोटिक लाइसिस से, चेंजेस से, एक्स्ट्रा सेल एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके पास सेल के बाहर जो भी एनवायरनमेंट है जो भी कंडीशंस हैं उससे वो सेव करेगी और प्रोटेक्शन जो है वो करती है। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा इसके अंदर कि जो सेल आपका प्रीवियस लेक्चर था अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वहां हमने सीखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली वो काम करती है एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन आपने याद रखना है जो सेल वॉल है इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो सेल वॉल होती है एक्चुअली वो एक बैरियर नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो एक बैरियर नहीं होती। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमारा टॉपिक था चैप्टर 4 के अंदर जो है उसके अंदर हमारे पास था टॉपिक सेल वॉल। हमने सीखा कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट के सेल में, सेल वॉल जो आपके पास प्लांट की है वो डिफरेंट है प्रोकैरियोट से, सेक्रीट करेगी करेगा इसको प्रोटोप्लाज्म। इसमें तीन लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर के अंदर हमने देखा मिडल लैमेला, तो इट इज द फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म बिटवीन नेबरिंग सेल्स। इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है इसके अंदर, और प्राइमरी सेल वॉल का आपको आइडिया हो गया, हमने सीखा ग्रोइंग सेल में है, ट्यूब सेल वॉल है, इलास्टिक है, और फिर देखा हमने उसकी कंपोजिशन क्या है। लास्ट हमने सीखा लास्ट सेक्शन ऑफ लेक्चर के अंदर कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो रिजिड है, इनर बनेगी। फिर हमने सीखा उसका बिल्डिंग मटेरियल क्या है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल हमने पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि फंजाई की सेल वॉल कैसे है, और लास्ट हमने सीखा कि फंक्शन जो है वो सेल वॉल के क्या है। दैट वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।